और पिछले 3-4 दिन से ऐसा कंटिन्यू। नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक के इस लाइव वेब चैट सेशन में। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। रोज शाम 6 बजे, कम से कम हफ्ते के 5 दिन तो हम कोशिश करते हैं कि आपसे मिल लें। आप कैसे लाइव चैट का हिस्सा बन सकते हैं, उसके लिए मैं आपको एक नमूना दिखा देता हूं। ये देखिए, ये आज तक की वेबसाइट है और यहां लिखा रहता है रोहित सरदाना से चैट करने के लिए क्लिक करें, तो भाई साहब ने पहले से क्लिक कर दिया था। यहां जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद ये खिड़की खुल जाएगी। यहां इस खिड़की में यहां एक तरफ मैं आपको दिखाई दूंगा और दूसरी तरफ ये देखिए जस्मीन जी हैं, इनका कहना है गुड इवनिंग, तो गुड इवनिंग है जस्मीन जी को। यहाँ सब लोग जो कमेंट करते हैं उनके कमेंट आपको दिखाई देते रहेंगे। शोभित सक्सेना कह रहे हैं गुड इवनिंग शोभित जी, कैसे हैं आप। हितेश जैन कह रहे हैं जिस तरह से नेताओं के मुंह का साइज खुल रहा है, अपने प्रदेशों में सबका अपना ठेका है, ऐसे में क्या भविष्य होगा यूपीए का। भाई वही भविष्य होगा जो एनडीए का होगा। ये तो स्थिति सबके लिए बराबर है, जब आप ठेकेदारी पे काम कराते हैं तो बहुत हद तक फिर ठेकेदार पे डिपेंड करता है ना, और ठेकेदार डिसाइड करता है चीज़ें उस हिसाब से चलती हैं। चलिए कोई बात नहीं, खैर ठीक है। रोहित भैया नमस्ते, अमित जी नमस्ते, दीपक जी नमस्ते, कैसे हैं दीपक जी आप। चंद्रिका पटेल जी मैं ठीक हूँ एकदम। जय हिंद रोहित भाई, जय हिंद सौरभ कुमार गुप्ता जी। शिवसेना और दूसरी छोटी पार्टियां बीजेपी क्या इसलिए आग दिखा रही है कि 19 का चुनाव लड़ने के लिए ज़्यादा सीटें मिल जाएं। बिल्कुल जस्मीन जी आपकी बात बिल्कुल सही है, लोग चाहते हैं पार्टनरशिप में उनका चंक बड़ा हो, उनका रोल बढ़े, ताकि जब वो सीटें ज़्यादा जीतें ज़्यादा लड़ पाएं और आगे संभावना उनके ज़्यादा मंत्रियों की हो। सर बीजेपी आज 3 राज्य हार के गई, एनडीए सहयोगी पार्टी साथ छोड़ने लगी, जब 21 राज्य में एनडीए की सरकार थी तब मलाई भी सभी खा रहे थे। बिल्कुल सही बात है प्रहलाद जी, चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, डूबते सूरज को कितने लोग सलाम करते हैं आप भी जानते हैं। ऐसा उन लोगों को लग रहा है कि भाई सूरज डूब रहा है, उनका अनुमान है ऐसा, तो इसलिए वो अपना मूव कर रहे हैं, मौका देख रहे हैं, जहां जिसको चौका लग रहा है लगा दे रहा है वो चौका। नमस्ते सर, रोहित अग्रवाल जी नमस्ते, कैसे हैं आप। नमस्कार रोहित जी, आज एनआईए ने जो बड़ी कार्रवाई की है उसकी जानकारी देंगे क्या। हितेश जी देंगे, कब कब देंगे वो बता देता हूँ, 7 बजे देश तक में देंगे सबसे पहले, उसके बाद 8 या 8:30 बजे एक कार्यक्रम में देंगे, उसके बाद रात 9 बजे से 10 बजे का जो खबरदार आता है उसमें भी विस्तार से आपको पूरी इसके बारे में जानकारी देंगे। राम राम रोहित जी, पीएम के लिए जगह खाली नहीं है तो राहुल गांधी पीएम कैसे बनेंगे। अजय पांडे जी वो उन्होंने इनहाउस वैकेंसी की बात की थी अजय आलोक जी ने। अगर चुनाव पलटता है नतीजा जैसा कि कांग्रेस दावा कर रही है तो भाई फिर तो उनका आदमी पीएम बनेगा, और अगर चुनाव में नतीजा वैसा रहता है जैसा बीजेपी दावा कर रही है तो फिर उनकी चॉइस का पीएम होगा। राम राम जी, जागेश कौरव जी, रमेश चंद्र गोदारा जी गुड इवनिंग। मैंने आपसे कहा था एमपी कांग्रेस की सरकार बनेगी इसलिए आरजी पीएम बनेंगे, अच्छी बात है अवनीत जी, बहुत बहुत बधाई, आपकी भविष्यवाणी सही साबित हुई, अब अगली भी देखते हैं साबित होती है कि नहीं। मोदी लहर कम हो गई है पर मोदी मैजिक काम करेगा नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, ध्रुव जी ने कहा है। आपकी डिबेट में अजय आलोक ने बहुत सही से अपनी बातें रखते हैं। ओके दीपक जी, मैं उन तक आपकी बात पहुँचा दूंगा। सोशल मीडिया में चल रहे आरजे रौनक के वीडियो के बारे में कुछ कहेंगे, 21वीं सदी में हमारा युवा किस दिशा में जा रहा है। जस्मीन जी अब ये क्या बताऊं कि किस दिशा में जा रहा है, अब उस वीडियो में तो भाई गजब ही चीज़ें हैं, वो कोई जो है छत्तीसगढ़ का प्रधानमंत्री बता दे रहा है, कोई बिहार का राष्ट्रपति बता दे रहा है, कोई उत्तर प्रदेश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बताने को तैयार है। असल में लोगों को ये तक नहीं पता, सोचिए इस देश के युवा में बहुत सारे कि साहब मुख्यमंत्री राज्य का होता है, प्रधानमंत्री देश का होता है, राष्ट्रपति राज्य का होता है, और राज्यपाल राष्ट्रपति देश का होता है और राज्यपाल राज्य का होता है। नाम पूछना तो बाद की बात है, सोचिए उस सवाल में झोला है और लोग उस पर जवाब दे रहे हैं, आप समझिए इस बात को, दुर्गति है ये। सर जो कंट्रीज हमारे साथ देश चलाना शुरू किया क्या कारण है कि हम सब उनसे कम्पीट नहीं कर पा रहे, लाइक जापान। सर देखिए आप मतलब बड़े जहाज को और छोटी किश्ती को चलने में फर्क होता है ना सर, समझिए जापान की आबादी, जापान का क्षेत्रफल, जापान की भौगोलिक परिस्थिति और आपकी भौगोलिक परिस्थिति, क्षेत्रफल, आबादी, इन सब चीज़ों में बड़ा अंतर है, समझिए इस बात। प्लस जापान के राष्ट्रवाद और आपके राष्ट्रवाद में भी बड़ा अंतर है, समझिए इस चीज़ को भी। रोहित जी कब तक चलेगा, भाई जब तक चलेगा चलेगा, जब नहीं चलेगा तो दूसरा देखना, नाम लिख लो अपना पहले, अपना असली वाला एक बार आ जाए। प्रणाम, जो अपना था वह पराया, जो पराया था वो अपना। नेताजी रॉक्स, जनता सॉक्स, आफ्टर चुनाव, भानु पंत जी, अच्छा चलिए कोई बात नहीं। हनुमान जी की कास्ट वाला थिंग बहुत बड़ा थिंग है सर, मुझे नहीं लगता रमेश गोदारा जी कोई बहुत बड़ा थिंग है, वो फालतू की बात है, इन लोगों पर टाइम इतना इसलिए उसको वेस्ट कर रहे हैं टाइम को। अरे मुद्दे की बातों पे ध्यान लगाओ यार, हनुमान जी की जाति ढूंढने चल पड़े। अच्छा मान ली जाति पता लग गई तो क्या पूजा करना बंद कर देंगे उनकी, नहीं करेंगे ना, मैं तो करता रहूँगा, आपको बंद करनी है क्या जाति जान के, फिर काहे को इस पर ध्यान देना, दिमाग लगाना इस पर अपना। जितनी भी पार्टी है चाहिए शिवसेना को या और सब दिखते हैं, छोड़ क्यों नहीं देते। अमित जी यही तो बात है शाह, क्या शिवसेना 2019 में एनडीए का हिस्सा होगी, क्योंकि बात बात पर बीजेपी को गिद्धर भव की दिखाती है, ये तो चिट भी मेरी पट भी मेरी, राजीव जी कह रहे हैं। तो जी सर मौलवी पकड़ गया है क्या कहेंगे, नहीं समझ में आया श्रवण जी। रोहित भैया नसरुद्दीन शाह का कोई ट्वीट नहीं देखा, उन्हें एनआईए के रेड के बाद डर नहीं लग रहा,
भाई सौरभ जी मैं कैसे कहूँ, उनका ट्वीट मैं नहीं चला था। राम राम जी। जागेश कौरव जी, सर अभी नहीं समझ में आया। जसमीन जी आपकी बात नहीं समझ में आई, क्या लिखा आप। जय श्री राम। ललित सुधाकर जी, अजय आलोक जी ने बिल्कुल ठीक कहा, 2019 में रायबरेली बैठी में जानत जब तो जाएगी, कहीं और जगह चुनाव लड़े। अजय पांडे कह रहे हैं नमस्कार सर। सुनील कुमार जी नमस्कार। शिवसेना वोंट लीव एनडीए हिंदुत्व। कुलदीप रावत जी कह रहे हैं क्या मायावती और अखिलेश साथ आएंगे 2019 में। मैं कुलश्रेष्ठ जी ऐसा अभी तो लगता है उनकी बातों से। अब देखिए चुनाव के पहले क्या होता है, किस सर करवट बैठता है ऊँट इनका जो है। नमस्ते रोहित भाई। मनोज जी नमस्ते। रोहित भाई आप मेरे सबसे प्यारे एंकर हैं। आहा सौरभ गुप्ता जी आप मेरे सबसे प्यारे दर्शक हैं, धन्यवाद आपका। वक्त हो गया है दिन की सबसे बड़ी चैट का, यानी कि लाइव चैट का, सवालों के दंगल में आपका स्वागत है रोहित जी। वाह ध्रुव जी ने इंट्रोडक्शन लिख दिया भाई, बहुत बढ़िया। सर ये माने कि अंजना जी आज तक छोड़ चुकी हैं। भाई बड़ी जल्दी है यार तुमको अंजना जी को आज तक छुड़वाने की। अरे भाई साल का आखिरी महीना है, छुट्टी उट्टी मिलेगा कि नहीं, इंसान के जीवन भर घिसता रहेगा नौकरी पे, समझिए भाई। पत्रकारिता भी तो यार समझा करो, हम भी दफ्तर आते हैं रोज सुबह शाम तक, यहाँ रहते हैं घिसते हैं, माथा पच्ची करते हैं ऐसे लोगों के साथ जिनमें से कई को देख के आपको टीवी बंद कर देना पड़ता है। सोचिए हम तो उठ के भाग भी नहीं सकते, बैठ के एक घंटा पूरी डिबेट करनी पड़ती है उनके साथ। आपका तो सही है, अपना एक रिमोट का बटन दबाया और निकल लिए, दूसरे चैनल पर चले गए, दूसरा भी पसंद नहीं आया तो पावर का बटन ऑफ किया और बदल दिया, बंद कर दिया, नहीं तो पिक्चर लगा ली किसी चैनल पे। तो महाराज हमें तो करना पड़ता है यार, थोड़ी छुट्टी तो डिजर्व करते हैं कि नहीं करते हैं। और अभी आगे आने वाले 6 महीने देखिए चुनाव में कितनी गर्मा गर्मी होगी, कितना देश भर हम घूमेंगे, आपके शहर में आएंगे, तो उससे पहले थोड़ा रिफ्रेश होना होता है भाई, थोड़ी एनर्जी को वापस रिकलेक्ट करना होता है। तो अंजना जी छुट्टी पे गई है यार, थोड़ा छुट्टी मनाने दो। आप लोग तुरंत शुरू हो गए, अच्छा आज तक छोड़ दिया क्या, ऐसा मत करो यार। क्या पेट्रोल डीजल जीएसटी में आएगा चेतन दवे जी? आना होता तो अभी आ गया होता, फिलहाल इस चुनाव के पहले आएगा ऐसा तो मुश्किल लगता है। राम राम रोहित जी। वैसे एक बात बताओ, पेट्रोल डीजल के दाम आजकल तो काफी कम हो गए। आज तो मैं गया तो 70 रुपए से कम था, 69 रुपए 72 पैसे और 69 रुपए 74 पैसे उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में आज के ये दाम थे। क्या शिवसेना भी गजब है, बैठे सत्ता में साथ विपक्ष का दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं भाई साहब, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हैं बीजेपी में लेकिन बैटिंग दूसरी तरफ से करते हैं। ठीक है भाई, सबका अपना अपना जैसा सूट करता है। सर वाई जर्नलिस्ट नेवर नेम एंड शेम फेलो जर्नलिस्ट हु आर स्प्रेडिंग फेक न्यूज इफ नॉट देन वाई? ऐसा मत करो राकेश जी यार, मेरे ऊपर तो ये इल्जाम मत लगाओ कम से कम। मैं तो बदनामी इसीलिए हूँ कि मैं नाम ले लेता हूँ, मैं बता देता हूँ, मैं कुछ ऐसी बात कह देता हूँ। अभी 2 दिन पहले वो वायर वाला पूरा ड्रामा जो चला, जिसके लिए लोग कमेंट मांग रहे थे, मैं मना कर रहा था कि मत करवाइए, वो क्या था, यही तो था सर। तो इसलिए हमें आपत्ति नहीं है, हम लोग आमतौर पर नाम ले देते हैं जब साफ साफ पता हो। और सबसे बड़ी बात, इतना बड़ा हम लोगों ने सेटअप बनाया पता आपको फेक न्यूज़ को पकड़ने के लिए। वो सेटअप किस लिए बनाया, इसीलिए ना कि जो झूठी न्यूज़ फैला रहा है उसमें कोई पत्रकार भी है तो हम क्या करें भाई। किसी ने अगर नितिन गडकरी का इंटरव्यू काट छांट के चला दिया विनोद दुआ जी ने, तो उनका नाम तो बताना पड़ेगा ना, क्योंकि चलाए उन्होंने, तो क्या करोगे उसका नाम भाई, वो छुपा लेंगे, दूसरे तो नहीं छुपाएंगे ना। और जब दूसरे बता देंगे तो हम भी बताने में क्यों परहेज करें, बता देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा रामदेव जी, पतंजलि का सामान तभी बेच पाएंगे जब अच्छे कांग्रेस के समय में औरत के कपड़े पहन के भागे थे। लो अजय पांडे जी, अभी तो सरकार आई नहीं, आप धमकी पहले देने आ गए यार। ट्विटर पर द वायर के एंकर ने गाली दी आपको, फीलिंग वेरी बैड सर, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज पीपल आर यूजिंग? अरे रमेश गोदारा जी छोड़िए ना, कहाँ चक्कर में पड़े हैं सर। देश में तो मोदी जी आएंगे, ये सांप निबले की जोड़ी कब तक चलेगी? ओहो सुनील कुमार जी पूछ रहे हैं, मीडिया मुस्लिम एंड दलित अपीजमेंट लग रही थी क्यों साहब, सामान्य मध्यम वर्ग की कोई ख्याल नहीं है क्या? चेतन जी ऐसे मत कहो यार, आपके सवाल का जवाब नहीं दे रखा मैं, इतना आरोप मत लगाओ। अच्छा डिमोनेटाइजेशन जीएसटी ले डूबी और अभय का डूबे नहीं समझे सर, कुलदीप रावत जी आपकी बात नहीं समझ में आई। आज तक ही ऐसे चैनल जो सही न्यूज़ दे रहे हैं, लोग प्रख्यात होने के लिए देश विरोधी बोलते हैं बस के भाई। हाँ ठीक बात कह रही हैं चंद्रिका जी, आप सही कह रहे हैं। हेलो सर, जय श्री राम। बाबू सनी जी जय श्री राम। दलों से अनबन युवाओं संतों के राम मंदिर नाराजगी, क्या बीजेपी 2019 में उसी मजबूती से वापस कर पाएगी? शोभित जी थोड़ा कठिन लगता है, बाकी देखिए समय बताएगा। भले मोदी से सारा कचरा साफ ना हो, इकट्ठा एक जगह जरूर हो गया। लो भाई अशोक कुमार जी महागठबंधन को कचरे की पेटी कह रहे हैं, ऐसा मत बोलो यार, उन्हीं में से कोई पीएम बन जाएगा तो क्या करोगे? माया से अलायंस कौन करेगा, सीट तो है नहीं यूपी में, बीजेपी कांग्रेस एसपी सिर्फ। ऐसा नहीं है अवनीत जी, पिछली बार नहीं है तो अगली बार भी नहीं आएगी, विधानसभा में तो आई ना, विधानसभा में आई तो उसके बाद उन्होंने कुछ मेहनत भी की होगी, कुछ जमीन पे जाके लोगों से मिली जुली होंगी, बातें की होंगी, उनको कुछ वादे करेंगी, असर पड़ता है इन सब चीज़ों का। रोहित भाई नमस्कार। जमील अहमद साहब नमस्कार आपको भी, कैसे हैं आप? शहजाद सुब्रस्ता को क्यों नहीं बुलाते, ये नहीं बताया? अरे भाई बहुत सारे लोगों को नहीं बुलाते हम तो, ऐसा थोड़ी है। और कई चैनलों पे तो ऐसे कई भाई, कई लोगों ने, कई चैनल्स ने ट्रेनिंग सेंटर खोल रखे हैं, वो पकड़ पकड़ के लाते हैं, और कई तो साहब पैसे लेके भी बैठाते हैं, तो फिर
ऐसा करने लगे क्या हम भी? अरे जो स्थापित लोग हैं उनको बिठाते हैं यार, ठीक है। और शहजाद भाई दूसरे चैनल की एंकरिंग करने यार, उनको गेस्ट कैसे बिठा लेगा कोई? आप खुद बताओ मेरे को, क्या दूसरा चैनल न्यूज़ एंकर बुला के गेस्ट बैठाएगा अपने शो पे कि भाई साहब आप आइए आज ताल ठोके में गेस्ट बन जाइए? हिम्मत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी ना। तो फिर तो सर वो दूसरे का नौकरी कर रहे हैं, उनको कैसे गेस्ट बुला लूँ? समझिए बात को आप। सर एक बार फिर से SC ST एक्ट पर डिबेट कीजिए। अच्छा श्याम जी कर लेंगे, जम रहे हो सर? भाई जमा हो तो हुई है, बाहर इतनी ठंड हो रही है तो जम तो गए हैं यार सच में। राम राम रोहित भाई। चौधरी नवो नारायण दास जी कह रहे हैं, नवोदयंस, ओके चौधरी जी नमस्ते आपको भी। अरविंद केजरीवाल की सोच धरी की धरी रह गई क्योंकि राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लेने का प्रस्ताव पारित किया था। अजय पांडे जी उसमें बात नहीं करे तो यार अच्छा है, पूरी पार्टी साबित करने में लगी हुई। नहीं नहीं जो दिख रहा है वैसा हुआ नहीं, कैमरे पे तो प्रस्ताव पास हो गया लेकिन असल में नहीं हुआ, तब क्या कहा जाए? क्या महागठबंधन अभी समस्या हो सकती है? पहले महागठबंधन हो तो जाए धर्मवीर जी, अभी तो महागठबंधन हुआ ही नहीं है। सर जी मोदी को अपनों से बात करनी चाहिए, मन की बात तो करते ही हैं भाई साहब, वो अपनों से नहीं करते क्या? परायों से करते हैं। भले आपका मैसेज उन तक पहुंचेगा तो मुझे लगता है जागेश जी वो अपनों से बात करेंगे। वेस्ट बंगाल में लोकतंत्र खतरे में नहीं है क्या? नहीं है भाई साहब। ममता बनर्जी कहती हैं सब जगह कि यहाँ लोकतंत्र खतरे में, वहाँ लोकतंत्र खतरे में, अब वही बताएंगी तो पता लगेगा कि वेस्ट बंगाल में है कि नहीं, इंडिकेटर तो वही है। सर मोदी जी को रोकने के लिए क्या सारी पार्टियां एक हो गई हैं जो कभी आपस में बात भी नहीं करती थी? तो ठीक है ना भाई, एक मकसद मिल गया उनको कि मोदी को रोकना है, भागो मोदी आया। शिवसेना से बड़ा कोई गुंडा नहीं और वो बोल रहे थे हम डरे हुए हैं, इसका मतलब अच्छे दिन आ रहे हैं। अमित जी बात तो यार आप काफ़ी हद तक सही कह रहे हैं, ये बात मैंने भी कही थी उनको लेकिन उन्हें समझ में नहीं आई, उनकी हिंदी थोड़ी कमजोर थी। क्या अभी आरक्षण खत्म होगा या पॉलिटिक्स के कारण हमेशा रहेगा? भाई साहब मुझे तो लगता है हमेशा रहेगा। ये कृष्णा जी का सवाल था। सर श्वेता झा को मेरी तरफ से गुड इवनिंग बोलिएगा, आई एम ए बिग फैन ऑफ हर एंड यू ऑल्सो। कहीं देख लिया क्या आपने श्वेता झा को? भाई है क्या कहीं? है नहीं, इसका मतलब आप याद कर रहे हैं तो सच में ही फैन होंगे आप, इसका मतलब साधन मंडल जी। चलिए आपकी बात हम पहुंचा देंगे। अरे नहीं सर, हनुमान जी वाली बात पर न्यूज चैनल बंद करने का मन करता है। रमेश गोदारा जी अच्छा, भीख मांगने पर, भीख ना मिलने पर बद्दुआ कौन देता है? ओके रोहित भाई, राहुल गांधी PM बन सकते हैं क्या? जमील अहमद साहब उनकी पार्टी अगर बहुमत ले आएगी तो बन भी सकते हैं। उनका गठबंधन बहुमत ले आए और गठबंधन के सारे दल मान ले कि राहुल गांधी को बनना चाहिए तो भी बन सकते हैं जमील साहब। रोहित भाई आप कभी राजनीति में आएंगे या नहीं? सौरभ गुप्ता जी आप पार्टी बनाइए, टिकट दीजिए तब सोचते हैं। कल का शो रिकॉर्ड था क्या? अक्षय टाक जी आपको ऐसा क्यों लगा कि कल का शो रिकॉर्ड था? रोहित सर कब को अलग अलग लड़ना चाहिए था कि क्या वैल्यू है पता पड़ता? रजत शर्मा जी कह रहे हैं। अच्छा मोदी जी को थोड़ा दयालु होने की जरूरत है, प्रदीप जी कह रहे हैं। जय श्री राम सर, कंबल बांटने का कार्यक्रम शुरू करें क्या? प्रदीप जी बताइए, दयालु लोग तो ये करते हैं, मंदिर में बाल्टी लेके जाते हैं, वहाँ खाना खिलाते हैं, कंबल बांटते हैं गरीबों को। अच्छा चलिए पहुँचा देंगे आपका ये मैसेज भी। भाई साहब थोड़ा हमारा भी ध्यान रखिए, लाइव चैट चल रहा है वैसे तो, लेकिन याद दिला रहे हैं आपको। कोई बात नहीं, हिस्ट्री आप लोगों को माफ़ नहीं करेगा। अच्छा कोई बात नहीं भाई साहब, वर्तमान ने माफ़ कर रखा हमारे लिए बहुत है, हिस्ट्री में आप लोग रहिए। रोहित सर उत्तर प्रदेश में गठबंधन कौन से विकास के लिए हो रहा? अपने अपने विकास के लिए हो रहा भाई, पहले अपना विकास करेंगे तब तो दूसरे का करेंगे। अपना पेट भरता आदमी तभी तो दूसरे की भलाई सोचता है। आई लव यू रोहित सर, जय श्री राम। अनिश सिंह जी आई लव यू टू, जय श्री राम। आज ठंड है भाई, आज ठंड तो है ही। नसीरुद्दीन घूम गए थे अब मिल गए हैं, चंद्रिका जी से ले लीजिए भाई, किसी को चाहिए हो तो नसीरुद्दीन, उनको मिल गए। राम राम सर जी, राजन शाही कह रहे हैं। राम राम जी, राजदीप जी, राजदीप जी पीछे नमस्ते बोल दीजिए। ये लो भाई साहब, अब श्वेता झा नहीं है तो भी उनको नमस्ते बोलना, राजदीप जी हैं तो भी उनको नमस्ते बोलना। कहाँ है भाई, पीछे ना दिख रहे हम, दूर हैं, बोल देंगे। चलिए जस्मिन जी ने नमस्ते कही है भाई, बता देना। बम बम रोहित जी कैसे हैं? राजीव जी है, बम बम है एकदम। ललित सुथार कह रहे हैं यू आर दी बेस्ट, थैंक यू ललित जी। राम राम जागृति जी, बड़ी देर हो गई आज आपको आने में। भैया रबिश बोगी बिल बनने से परेशान होंगे, बट छोड़िए ना, होंगे तो होंगे। अखिलेश जी आज तो बिना कांग्रेस और बगैर BJP की बात कर रहे हैं। अच्छा सौरभ कुमार गुप्ता कह रहे हैं। जगदीश जी आपका कमेंट भाई समझ में नहीं आ रहा, मोदी जी जिन्हें ओपन एंड OBCs के लिए कुछ करना चाहिए, वैसे भी SC ST वोट नहीं करते। अच्छा जमील अहमद कह रहे हैं, रोहित भाई मैं सऊदी में हूँ। बहुत बढ़िया जमील साहब, ध्यान रखिएगा अपना और परिवार का भी, अपने सबको नमस्कार दीजिएगा हमारा। रोहित जी आपकी जैकेट अच्छी लग रही है, लो भाई इन्होंने साथ में दिल वाले दो वो बना के भेजे हैं स्माइली। बिहार में बाहर है गोलियों की बौछार, अपराधियों का लहर है, व्यापारियों पर कहर है क्योंकि नीतीश कुमार है, बिट्टू कुमार है। रोहित जी हु विल बी द विनर ऑफ 2019, यू विल बी द विनर ऑफ 2019, क्योंकि वोट तो आप ही को करना है, चुनना आपको है सर, नीतीश जी, निशित जी। जय श्री राम, राजन शाही जी। अरे यार ये बार बार पूछ रहे कल का दंगल रिकॉर्ड का था, बताओ यार कैसे पता लगा इनको कि दंगल रिकॉर्ड का था या लाइव का था, ये तो बताओ ना, क्यों शक हो रहा आपको?
आज तक है जान दे पर हम लोगों को बताओ, नहीं समझ में आया भाई साहब। देवपाल सिंह जी क्या कह रहे हो? रोहित जी मेरा नाम आप नहीं लीजिएगा। लो जमील अहमद साहब, चार बार आपका नाम ले चुका हूँ, चार बार कम से कम। इस चैट को दोबारा सुन लीजिएगा, थोड़ी देर के बाद ये आ जाएगी फेसबुक पर और बाकी सब जगह पर, तो इसको दोबारा रिप्ले करके सुन लीजिएगा और अपने उसमें ना एक वो डाल दीजिएगा, क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर कोई, कि जहाँ जहाँ जमील अहमद आए वहाँ वहाँ जोर से घंटी बजने लगे लाइव वीडियो के दौरान, तो आपको पता लग जाएगा हर समय घंटी बजती रहेगी उसमें, जमील अहमद इतनी बार बोला। सर मैं आपको मिस करता हूँ, काश आप जी पर ही रहते। भाई साहब हम आपको यहाँ मिस कर रहे हैं, यहाँ आ जाओ ना, आज तक लगाया करो, क्या बात कर रहे हो यार। आई एम अ ब्लाइंड पर्सन बट आई फील द न्यूज फ्रॉम योर वॉइस। वाह किरण जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, स्वागत है आपका इस लाइव चैट में। आपके एक्सपीरियंस से क्या लगता है, बीजेपी को वेस्ट बंगाल यात्रात्या की परमिशन मिल सकती है? अनिश जी अभी तक तो हर बार कोर्ट ने उनके पक्ष में ही बात कही है और मुझे लगता नहीं कि इसको रोकने की कोई जरूरत थी, उसको रोक के ममता बनर्जी ने ज्यादा चर्चा में ला दिया, जितनी शायद होके निकल भी जाती तो पता नहीं लगता उतना लोगों को। लो भाई साहब कुलदीप जी पूछ रहे हैं भाभी जी किस प्रोफेशन में हैं, बताओ इनको, पहले ये तो पूछ लेते हैं भाभी जी घर पे हैं या नहीं है, पत्रकार हैं भाई साहब वो भी। रोहित भाई प्रयागराज आना हो तो बता देना, हमारे सारे मित्र मिलना चाहते हैं आपसे। सौरभ गुप्ता जी पक्का आप तो कुंभ लगने वाला है लगता, आएंगे ही। राम राम राजन चाही जी, कई दफे राम राम करा ली भाई साहब, आगे भी बोलोगे अब। पेट्रोल डीजल इतना कम है, जिसको पीना है वो पी सकता है। अमित जी आप पी लो पहले, तो जो 2019 में साथ ना दे बीजेपी को चाहिए उसका साथ छोड़ दे हमेशा के लिए, जागृति गुप्ता जी ने सलाह दी है। हेलो दीपक जी, हेलो हाउ आर यू, दीपक गुप्ता जी हेलो कह रहे हैं। अभिनेताओं के स्कैंडल बनते हैं तो राजनेताओं के क्यों नहीं बनते हैं, बताते तो हैं, राजनेताओं के स्कैंडल नहीं बताते क्या यार, कैसी बात कर रहे, इतनी कहानियां चलती हैं राजनेताओं के स्कैंडल्स की यार। लो ये जमील अहमद फिर आ गए कि मेरा नाम क्यों नहीं लेते, अरे बताओ यार इसे कोई, आप एक काम करो भाई साहब को डॉक्टर को दिखाओ अच्छे, कान का इलाज कराओ थोड़ा सा, तब आपको पता लगेगा। और अगर फिर भी डॉक्टर कह दे कि कान ठीक है तो सर थोड़ा कान के ऊपर वाली बिल्डिंग जो है ना उसका भी चेकअप करा लेना। लो फिर लिख दिया मेरा नाम क्यों नहीं लेते, भाई ना लेता अब, ना लेता अब, तो लिख ले जितना लिखना, अब ना लेता मैं, छह बार ले लिया। अहमदाबाद आना तो शासन के शेर देखने ले जाएंगे आपको गिर के, चंद्रिका जी पक्की बात है। रोज जी राम राम, आज तक से जुड़ के अच्छा लगता है, धन्यवाद रघुवीर जी, हमें भी आपसे जुड़ के बहुत अच्छा लगता है। अच्छा तो क्या योगी जी ने अनुप्रिया पटेल के साथ जो किया वो सही है? पता ही नहीं मुझे क्या किया भाई साहब, पहले ये तो बताओ कि क्या किया उन्होंने उसके साथ। हुज द विनर इन 2019 मैं कैसे बताऊं, वन वर्ड अबाउट जोधपुर सिटी। लो भाई मैं आया ही नहीं तो मैं कैसे बताऊं। रमेश गुदारा जी जोधपुर के बारे में कोई शब्द, अरे हाँ जोधपुर की फेनी खाई अभी मैंने, कोई लेके आए थे मित्र अपने, बड़ी मशहूर फेनी थी तो वो फेनी खाई भाई, बड़ी शानदार थी जोधपुर की। ट्विटर पर आपने शायद दीपावली में मेरे टैग पर आपका लाइक देखा था, सही है क्या? अब ऐसे कैसे बताऊं गुप्ता जी, लाइक तो मैं मोस्टली जितने लोग करते हैं कोशिश करता हूं उनको। लो जमील अहमद कह रहे हैं रोहित भाई ने मेरा एक भी सवाल नहीं लिया, अब तो यार माधवेंद्र जी कल को किसी अच्छे डॉक्टर का पता लेके आना जो दिमाग का इलाज करता हूँ, उसका पता है जमील अहमद के लिए, सऊदी में ही लाना यार, कोई ढूंढ लेना गूगल मैप से, पता लगेगा वहाँ इनको दे देंगे इलाज करा लेंगे। अच्छा रोहित जी आज जो पकड़े गए हैं वो सभी भटके हुए क्या? ओके भाई मुझे नहीं पता, अर्जुन सिंह जी पूछ रहे हैं। रोहित जी हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, राजन चाही जी धन्यवाद आपका, गुड इवनिंग सरदाना जी, सतीश कुमार गुप्ता जी आपको भी गुड इवनिंग, पुरेंद्र साहू कह रहे हैं मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मेरा ड्रीम है आपसे मिलना, आई विश सर मेरा ड्रीम पूरा हो जाए, आज तक के दफ्तर आइए आपसे मिलना होगा, लेकिन पहले बात करके आइए, समय बता करके आइए, मेल करके आइएगा, एक मेल करने के बाद हम यहाँ पर अनुमति लेते हैं, उसके बाद आप मिलने आ सकते हैं। सर कांग्रेस ही जीएसटी करती है, आप नहीं करते क्या भाई साहब, आपकी दुकान होती है आप भी जीएसटी कर रहे होते। इट्स अबाउट टू चूज बिटवीन बेस्ट एंड वर्स्ट, ओके ऋतुराज जी मोदी जी जीतेंगे हीरालाल ने कह दिया है, समझ गए आप, आज तक सबसे तेज सरदाना जी आप, आज तक से भी तेज, अरे मैं इनसे तेज निकल गया तो आगे निकल जाऊंगा भाई, रहना तो साथ ही है, इतना तेज मत करो मुझे समझा करो। रघुवीर सिंह जी नमस्कार, आपकी वजह से आज तक देख लेगा। प्रमोद सैनी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और साथियों दोस्तों को मित्रों को भाइयों को रिश्तेदारों को भी बुलाइएगा। जय श्री राम। बीरेंद्र पाल जी मेहताब सिंह भाटी कह रहे हैं आप सबसे अच्छे न्यूज चैनल वाले हैं, धन्यवाद मेहताब सिंह जी। शिवसेना का मूड तो ना 3 में ना 13 में प्रदीप कुमार भट्ट जी कोई लेगा क्यों उनको अगर ऐसे ही करेंगे तो। अक्षय टाक जी कल का दंगल रिकॉर्ड था भाई साहब, माफ कर दो यार प्लीज, हाँ रिकॉर्ड था, ओके रिकॉर्ड था। अच्छा SC ST एक्ट पर नोटा होगा इस बार, ओके विकास जी। रवीश कुमार को आपने चिट्ठी लिखी थी, हमने गूगल पर देखा, आपने बड़े अच्छे जवाब दिया बीरेंद्र जी, धन्यवाद आपका। छत्तीसगढ़ की कोल माइन का रेस्क्यू हो चुका है? नहीं सर अभी चल रहा है। जागृति गुप्ता जी कोई सरकार मिडिल क्लास के लिए काम करेगी? सब तो दावा करते हैं हम कर रहे हैं लेकिन मिडिल क्लास सबसे ज्यादा अनदेखी महसूस करता है। कैलाश लड्डा जी ये बात सच है। चलिए समय हो गया खत्म,
अब आशीष शर्मा जी आपका धन्यवाद, राहुल शर्मा जी आपका धन्यवाद, शर्मा ब्रदर्स का सौरभ सक्सेना जी आपका धन्यवाद, विभाष कुमार जी आपका धन्यवाद, चेतन पुरोहित जी आपका धन्यवाद, स्वापंग गुरुंग जी आपका धन्यवाद, राजन शाही जी आपका धन्यवाद, अभिषेक सिंह जी, शिवम जी, राजेश जी, सतीश कुमार जी, प्रशांत जी, आदर्श जी, विनोद कबड़ी जी, वरुण पांडे जी, सचिन सिंह जी, प्रदीप कुमार भट्ट जी, दीपक गुप्ता जी और भाई योगेश परमार जी, विनय शर्मा जी, तेजस जी, अशोक महलान जी, प्रमोद सैनी जी, राधेश्याम भाकर जी, सुशांत जी, बिट्टू कुमार जी, विनय शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, सुरेंद्र भारती जी आपका भी फिलहाल आज तक के इस लाइव चैट का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। 7 बजे देश तक देख लीजिएगा, वहाँ भी आपसे मिलना होगा। जिनके कमेंट्स नहीं ले पाए सर उनसे माफ़ी, और कल लाइव चैट होगा फिर से 6 बजे, ठीक 6 बजे आज तक पर मैं मौजूद रहूँगा। aajtak.in पर आपको आना होगा और वहाँ जो नीचे पट्टी चलती रहती है रोहित सरदाना लाइव चैट करने के लिए, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, वहाँ क्लिक कीजिएगा, ऐसी खिड़की खुल जाएगी, उस खिड़की में आपके कमेंट आएंगे। राजीव अनंजन, विपुल चौहान, मिहिर, आप सबके कमेंट नहीं ले पाए, संतोष तिवारी आपका कमेंट नहीं ले पाए, धन्यवाद आप सबका आज चैट में जुड़ने के लिए। कल शाम 6 बजे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए। उत्तर भारत में रहते हैं, ठंडी बहुत है, सर्दी बहुत है, थोड़ा मोटे कपड़े पहनिए, सर्दी के कपड़े पहनिए, बच्चों को घर से बाहर निकलने से रोकिए, मोजे दस्ताने पहना के रखिए, मफलर का इस्तेमाल कीजिए, मफलर पर किसी राजनीतिक पार्टी का कॉपीराइट नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।